जनपद में लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही, जिसके संबंध में उपजिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने जानकारी दी कि गोरखपुर में बांसगांव और गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो 14 तारीख की शाम 3 बजे तक रहेगी। अब तक गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 15 प्रत्याशियों ने और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को शाम 3 बजे तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे समय सीमा के अंदर अपना नामांकन पूरा कर लें। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रवेश द्वारों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ड्यूटी दे रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी को बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस अवसर पर SP साउथ जितेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर जनपद में गोरखपुर और बांसगांव दो लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन कार्य प्रगत पर है, जो कि कल 14 तारीख को शाम 3 बजे तक रहेगा नामांकन का आखिरी तिथि। अभी तक गोरखपुर लोकसभा के लिए कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म दाखिल किया है और बांसगांव के लिए अभी तक 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म दाखिल किया है और कल शाम 3 बजे तक नामांकन की आखिरी तिथि है। जो भी आएंगे उनका नामांकन पत्र लिया जाएगा। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशन्स ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर